नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद। सबसे पहले देखेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं। जो अव्यय किसी न किसी तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जो अव्यय हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय मनोभाव की तीव्रता को सूचित करते हैं। एक बात याद रखिए, जो शब्द तीव्र मनोभाव को व्यक्त करते हैं उन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया जाता है। जैसे आहा, कितना सुंदर है बगीचा। इस वाक्य में हर्ष यह भाव प्रकट होता है। अरे तुम कब आ गए, इस वाक्य में आश्चर्य यह भाव व्यक्त होता है। हाय, अब मेरा क्या होगा, इस वाक्य में शोक यह भाव प्रकट होता है। छी, तुम कितने गंदे हो, इस वाक्य में घृणा यह भाव प्रकट होता है। वाह, क्या सुंदर नजारा है, इस वाक्य में प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। इन वाक्यों में आहा, अरे, हाय, छी, वाह इन अव्ययों से किसी न किसी मनोभाव की तीव्रता व्यक्त होती है, इसलिए यह अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब हम विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद देखेंगे। विस्मयादि बोधक अव्यय के कुल 11 भेद है। उसमें हर्ष बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मय बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, शोक बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, तिरस्कार बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, भय बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, स्वीकृति बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, आशीर्वाद बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, संबोधन बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय, विवशता बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय और विदास बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। एक बात याद रखिए, भिन्न भिन्न मनोभाव को सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय का पहला भेद है हर्ष बोधक अव्यय। जिस वाक्य में वाह वाह, आहा, शाबाश, ओह, अति सुंदर यह अव्यय आते हैं उसे हर्ष बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, आहा कितना सुंदर घर है, शाबाश तुमने अच्छा काम किया, वाह वाह आज मजा आ गया। इन वाक्यों में आहा, शाबाश, वाह वाह इन शब्दों से हर्ष की भावना व्यक्त हो रही है, इसलिए यह अव्यय हर्ष बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय का दूसरा भेद है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय को ही आश्चर्य बोधक अव्यय कहते हैं। जिस वाक्य में अरे, ओ, ओहो, वाह, क्या, सच यह अव्यय आते हैं उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, ओ ये कैसे हुआ, अरे तुम कहाँ गए थे, क्या वह आज आएगा। इन वाक्यों में ओ, अरे, क्या यह शब्द से हमें आश्चर्य की भावना का बोध होता है, इसलिए यह शब्द विस्मय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय का तीसरा भेद है शोक बोधक अव्यय। जिस वाक्य में हाय, ओ, आ, बाप रे बाप, हे राम यह शब्द आते हैं उसे शोक बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, ओ तुम्हें किसने मारा, हाय दादाजी चले गए, हे राम बहुत बुरा हुआ। इन वाक्यों में ओ, हाय, हे राम यह शब्द शोक की भावना व्यक्त करते हैं, इसलिए यह अव्यय शोक बोधक अव्यय है।
विस्मय आदि बोधक अव्यय का चौथा भेद है तिरस्कार बोधक अव्यय। जिस वाक्य में छी, धत, चुप, थूथू, हट, धिक्कार यह शब्द आते हैं उसे तिरस्कार बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, धत ऐसा नहीं कहते, धिक्कार है तुम पर, छी तुम कितने गंदे हो। इन वाक्यों में धत, धिक्कार, छी यह शब्द तिरस्कार की भावना को उजागर कर रहे हैं, इसलिए यह उदाहरण तिरस्कार बोधक अव्यय के है। विस्मयादि बोधक अव्यय का पांचवा भेद है भय बोधक अव्यय। जिस वाक्य में बाप रे बाप, हाय, ओ, उइमा यह शब्द आते हैं उसे भय बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, हाय मेरा बेटा खो गया, उइमा मेरी उंगली कट गई, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप। इन वाक्यों में हाय, उइमा, बाप रे बाप यह शब्दों से भय या डर की भावना व्यक्त होती है, इसलिए यह अव्यय भय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय का छठवां भेद है स्वीकृति बोधक अव्यय। स्वीकृति बोधक अव्यय को ही स्वीकार बोधक अव्यय कहते हैं। जिस वाक्य में हाँ, जी, जी हाँ, अच्छा, ठीक यह शब्द आते हैं उसे स्वीकृति बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य, हाँ अक्षय मेरा भाई है, अच्छा कल मिलते हैं, जी मैं भी साथ चलूंगा। इन वाक्यों में हाँ, अच्छा, जी इन अव्ययों से हमें स्वीकृति की भावना का बोध हो रहा है, इसलिए यह अव्यय स्वीकृति बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय का सातवां भेद है आशीर्वाद बोधक अव्यय। जिस वाक्य में जीते रहो, दीर्घायु हो यह शब्द आते हैं उसे आशीर्वाद बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, जीते रहो मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, दीर्घायु हो यही मेरी कामना है, जीते रहो तुम्हें कामयाबी मिले। इन वाक्यों में जीते रहो, दीर्घायु हो इन शब्दों से बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए इन शब्दों को आशीर्वाद बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का आठवां भेद है अनुमोदन बोधक अव्यय। जिस वाक्य में हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य यह शब्द आते हैं उसे अनुमोदन बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा तुमने खाना गरीबों में बांट दिया, अवश्य भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। इन वाक्यों में हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य यह शब्द अनुमोदन या अनुमति देने का बोध कराते हैं, इसलिए यह शब्द अनुमोदन बोधक अव्यय है। संबोधन बोधक अव्यय। जिस वाक्य में अजी, ओ, रे, री, अरे, हेलो, ए यह शब्द आते हैं उन्हें संबोधन बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, अरे मेरी बात तो सुन, ए कहाँ जा रहा है, अजी आते समय दूध लाना। इन वाक्यों में अरे, ए, अजी इन शब्दों का प्रयोग किसी का संबोधन करने के लिए किया गया है, इसलिए यह अव्यय संबोधन बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय का दसवां भेद है विवशता बोधक अव्यय। जिस वाक्य में हे भगवान, कदाचित, काश यह शब्द आते हैं उसे विवशता बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य, काश मेरा भाई जीवित होता, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, कदाचित आप जल्दी पहुंचते। इन वाक्यों में काश, हे भगवान, कदाचित इन शब्दों से विवशता प्रकट की जा रही है, इसलिए यह शब्द विवशता बोधक के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का ग्यारहवां भेद है
विदास बोधक अव्यय। जिस वाक्य में अच्छा, अच्छा जी, टाटा यह शब्द आते हैं, उसे विदास बोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, अच्छा कल मिलते हैं। अच्छा जी, अब तुमसे सीखना होगा। टाटा, अब हम जाते हैं। इन वाक्यों में अच्छा, अच्छा जी, टाटा यह शब्द का प्रयोग करके विदास की भावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए यह शब्द विदास बोधक अव्यय है। धन्यवाद।